आपको बहुत से लोग मिलेंगे व्यक्तिगत जीवन में, और खास करके टीनेज ग्रुप के जो लोग होते हैं उनसे अगर बात करेंगे, अगर उस समय क्रिकेट की सीजन चलती है तो उसका मन करता है यार एक अच्छा क्रिकेटर बन जाओ, दिमाग में रहता है यार क्रिकेटर बन जाना है। एक अच्छी मूवी बड़ी पॉपुलर हो गई तो फिर मन में करता है यार ये फील्ड अच्छा है, मैं एक्टर बन जाऊं, मैं इसमें चला जाऊं। उसी समय मान लीजिए चंद्रयान की घटना घटी है तो उसको लगता है यार ये फील्ड बहुत अच्छा है, साइंटिस्ट बन जाओ। और मान लीजिए दो महीने के बाद क्रिकेट मैच आ गई तो उसको लगता है यार साइंटिस्ट वाला तो जरा मेहनती है, अच्छा करो अपन क्रिकेट वाला हो जाए। यानी ज्यादातर वो लोग होते हैं जिनकी इच्छाएं अस्थिर होती है, और जब इच्छा अस्थिर होती है तो सामान्य मानवी उसको तरंग कहता है। उसको लगता है यार तो तरंग ही है, एक सुबह एक सोचता है दोपहर को दूसरा होता है, इस पर बात मत करो यार, ऐसे ही हुड़दंगबाजी करता रहता है। इच्छा जब अस्थिर होती है तो दुनिया की नजरों में वो तरंग होता है, लेकिन जब इच्छा स्थिर हो जाती है और उसके अंदर एक लंबे अरसे तक इच्छा को स्थिरता मिल जाती है तो इच्छा उस प्रक्रिया से गुजरती है जो संकल्प में बदलती है। इच्छा अगर अस्थिर है तो तरंग है, इच्छा अगर स्थिर है स्थायी है तो संकल्प में कन्वर्ट हो जाती है, और संकल्प के अंदर जब परिश्रम की पराकाष्ठा जुड़ जाती है तब जाकर के सिद्धि प्राप्त होती है। और जीवन के हर काम को हम उस दिशा में देखना चाहिए, इच्छा प्लस स्थिरता इज इक्वल टू संकल्प, संकल्प प्लस परिश्रम इज इक्वल टू सिद्धि। आपको बहुत से लोग मिलेंगे व्यक्तिगत जीवन में, और खास करके टीनेज ग्रुप के जो लोग होते हैं उनसे अगर बात करेंगे, अगर उस समय क्रिकेट की सीजन चलती है तो उसका मन करता है यार एक अच्छा क्रिकेटर बन जाओ, दिमाग में रहता है यार क्रिकेटर बन जाना है। एक अच्छी मूवी बड़ी पॉपुलर हो गई तो फिर मन में करता है यार ये फील्ड अच्छा है, मैं एक्टर बन जाऊं, मैं इसमें चला जाऊं। उसी समय मान लीजिए चंद्रयान की घटना घटी है तो उसको लगता है यार ये फील्ड बहुत अच्छा है, साइंटिस्ट बन जाओ। और मान लीजिए दो महीने के बाद क्रिकेट मैच आ गई तो उसको लगता है यार साइंटिस्ट वाला तो जरा मेहनती है, अच्छा करो अपन क्रिकेट वाला हो जाए। यानी ज्यादातर वो लोग होते हैं जिनकी इच्छाएं अस्थिर होती है, और जब इच्छा अस्थिर होती है तो सामान्य मानवी उसको तरंग कहता है। उसको लगता है यार तो तरंग ही है, एक सुबह एक सोचता है दोपहर को दूसरा होता है, इस पर बात मत करो यार, ऐसे ही हुड़दंगबाजी करता रहता है। इच्छा जब अस्थिर होती है तो दुनिया की नजरों में वो तरंग होता है, लेकिन जब इच्छा स्थिर हो जाती है और उसके अंदर एक लंबे अरसे तक इच्छा को स्थिरता मिल जाती है तो इच्छा उस प्रक्रिया से गुजरती है जो संकल्प में बदलती है। इच्छा अगर अस्थिर है तो तरंग है, इच्छा अगर स्थिर है स्थायी है तो संकल्प में कन्वर्ट हो जाती है, और संकल्प के अंदर जब परिश्रम की पराकाष्ठा जुड़ जाती है तब जाकर के सिद्धि प्राप्त होती है। और जीवन के हर काम को हम उस दिशा में देखना चाहिए, इच्छा प्लस स्थिरता इज इक्वल टू संकल्प, संकल्प प्लस परिश्रम इज इक्वल टू सिद्धि।